आम तौर पर सनातन धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जलाकर दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साधु संतों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें भू समाधि दी जाती है और इस प्रक्रिया के तहत उन्हें जमीन में बैठाकर दफनाया जाता है। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है और क्या सनातन धर्म इसकी इजाजत देता है। दरअसल साधु संत संन्यास अपनाने से पहले ही अपना पिंड दान कर देते हैं, जिससे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है, इसीलिए उनके मृत शरीर को जलाने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि सनातन धर्म में साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। माना जाता है कि यह परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जो केदारनाथ में आज भी मौजूद है। वैसे गाइस, क्या आप इसके पहले तक इस परंपरा के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो A2 मोटिवेशन चैनल को ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।